आपके शब्द थे कि दया हिंदुत्व है, करुणा हिंदुत्व है। राहुल गांधी के शब्द हैं कि हिंदुत्व जो है वो दरअसल सिख और मुसलमान को मारना सिखाता है। तो क्या आप राहुल गांधी को एक फोन लगाकर ये बताएंगे कि सर आपने कुछ गलत पढ़ लिया है, समझ लिया है, हिंदुत्व दरअसल दया और करुणा है? वो हिंदुत्व को कह रहा है कि वो हिंदुत्व मुसलमान और सिख को मारना सिखाने वाला हिंदुत्व। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या आप भी ये मानते हैं राहुल गांधी की तरह कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व जो है वो सिख और मुसलमानों को मारना सिखाता है? नहीं सुशांत जी, मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, मैं जो मानता हूं वो आपको मालूम भी है, और मैं दोबारा से कह देता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो बड़ा उदार है और बड़ा सहिष्णु है, और दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है। इसलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, दया का सागर कहा गया है, दीन बंधु कहा गया है, विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करता है हमारा हिंदू धर्म, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र पे चलता है। तो हिंदू धर्म सनातन धर्म सत्य है, शाश्वत है, और इसीलिए करोड़ों साल से पूरे विश्व में इसकी ध्वज पताका लहरा रही है, फहरा रही है। इसलिए मुझे अपने धर्म पर गर्व है, और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म से बढ़िया, हमारे सनातन धर्म से उत्तम कोई धर्म संभवतः नहीं हो सकता। लेकिन सबको अपने अपने धर्मों का पालन करना उनका कर्तव्य है, सबको अपना धर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे अपना धर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे अपने धर्म के विषय में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके शब्द थे कि दया हिंदुत्व है, करुणा हिंदुत्व है। राहुल गांधी के शब्द हैं कि हिंदुत्व जो है वो दरअसल सिख और मुसलमान को मारना सिखाता है। तो क्या आप राहुल गांधी को एक फोन लगाकर ये बताएंगे कि सर आपने कुछ गलत पढ़ लिया है, समझ लिया है, हिंदुत्व दरअसल दया और करुणा है? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि राहुल जी की बातों को आप लोग भी और बीजेपी तोड़ मरोड़ के पेश करती है। राहुल गांधी खुद बहुत उदार हृदय व्यक्ति हैं, राहुल गांधी खुद बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, राहुल गांधी शिव के अनन्य भक्त हैं। मानसरोवर की यात्रा किसने की? सुशांत जी बताइए, राहुल गांधी ने की। अगर कोई व्यक्ति मानसरोवर की यात्रा कर रहा है तो वो बिना शिव भक्त के बिना श्रद्धा के कैसे करेगा? पर वो हिंदुत्व को कह रहा है कि राहुल गांधी मुसलमान और सिख को मारना सिखाने वाला हिंदुत्व है। अच्छा, अगर राहुल गांधी ऐसा माने कि हिंदू धर्म गलत है तो वैष्णो देवी की यात्रा क्यों करें? मानसरोवर की यात्रा समझ में नहीं आता सर। केदारनाथ की यात्रा करते हैं, जनेऊधारी बनते हैं और कहते हैं हिंदुत्व मुसलमान और सिख को मारना सिखाता है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, यही तो बात है, यही तो दिक्कत है सर। देखिए मुझे तो राहुल जी ने कभी ऐसा कहा है, मुझे तो बयान कभी मैंने सुना नहीं सर। अभी बयान में निकलवा देता हूँ, अंग्रेजी में आज ही का है, आज ही बयान है उनका कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है और हिंदुत्व मुसलमान और सिख को मारना सिखाता है। ये शब्द है सर, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांग लूंगा उन्हें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद।